उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद आदित्यनाथ योगी ने डीडी न्यूज पर अपना पहला इंटरव्यू दिया है। ये इंटरव्यू अभी चल रहा है। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। आदित्यनाथ जी, अब जो सवाल हैं, ये सवाल मेरे कम हैं, लेकिन ये सवाल आपके मुख्यमंत्री बनने के बाद से जिस तरह से अखबारों में, न सिर्फ देश में इसकी चर्चा हुई है, विदेश में एडिटोरियल तक इस पर लिखे गए, और ये कहा गया कि हिंदू प्रीस्ट के चुने जाने के बाद, एक योगी का जीवन त्याग तपस्या का होता है, लेकिन अगर उसके जीवन को लेकर इतने सवाल, और एक डर और एक भय का माहौल पैदा किया जाना कि ये हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है, आपको क्या लगता है, क्या मकसद है लोगों का, क्या वजह लगती है? सीधे आपसे जवाब जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी तक आपकी कोई टिप्पणी इस पे नहीं आई है, तमाम और सवाल आते रहे हैं। देखिए, राजसत्ता तो योगी ही चला सकता है, श्री नरेंद्र मोदी जी जैसा योगी जब देश के अंदर आया है तो देश में एक विश्वास जगा है ना। पहले प्रधानमंत्री हैं जो 3 वर्ष के बाद भी जनता का विश्वास पहले से ज्यादा उनके प्रति बढ़ा है। उनका जीवन किसी योगी किसी सन्यासी से कम नहीं, राष्ट्र के प्रति उनका समर्पण, देश के अंदर अंतिम व्यक्ति तक विकास की योजनाएं पहुंचे, स्वाभाविक रूप से मोदी जी हमारे आदर्श हैं, तो उनसे प्रेरणा लेकर के अगर मुझे कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो राजसत्ता योगियों के लिए है, भोगियों के लिए नहीं। और इसलिए लोग 10 बात कहेंगे, हमने कहा ना, हम बोलेंगे नहीं लेकिन हमारा कार्य बोलेगा, और अपने कार्य के माध्यम से लोगों के सामने वो साबित करके दिखाएंगे। कार्य बोलने की जो आप बात कर रहे हैं, जो चुनाव में जो मुद्दे रहे खास, जिसमें कानून व्यवस्था थी, कानून व्यवस्था को लेकर आपने चुनाव के दौरान कहा कि एंटी रोमियो स्क्वाड बनेगा। एंटी रोमियो स्क्वाड बना, वो काम कर रहा है, और जनता की भी उसमें सहमति दिखाई दे रही है, क्योंकि सीधे सीधे ये महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा मसला था। एक सुझाव ये भी लोगों का आता है कि एंटी रोमियो स्क्वाड को कहे जाने, रोमियो जूलियट, लैला मजनू, इस तरह के जो ये प्रसंग रहे हैं, ये उससे जुड़े हुए हैं, तो क्यों ना इसे एक महिला सुरक्षा दस्ता के नाम से ही जाना जाए। नाम से आपत्ति है, साथ ही साथ इसको एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई। देखिए, हमने कहा ना कि रोमियो की कोई जाति तो नहीं थी, उसका कोई संप्रदाय भी नहीं था। दूसरा ये है कि नाम वह हो जो हिट करता हो। हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है कि हमारी बेटियां, हमारी माताएं सुरक्षित रह सके। हम उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसा वातावरण बनाना, मैंने कहा ना, चुनाव के दौरान 3 महीने के अंदर मेरे पास सर्वाधिक बातें जो सामने आई थी। देखिए, चुनाव के दौरान 3 महीने तक हम लोगों ने पैदल, कार से, हेलीकॉप्टर से, ट्रेन से व्यापक यात्राएं की पूरे प्रदेश के अंदर। मेरे पास सर्वाधिक शिकायत कानून व्यवस्था की आती थी, पलायन की आती थी, गुंडागर्दी की आती थी, और जो बालिकाएं होती थीं या महिलाएं होती थीं, ये हम लोगों को एक ही बात कहती थी कि देखिए, हम अपनी बच्चियों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं, उनका अपहरण हो जाता है, बालिकाएं विरोध करती तो तेजाब फेंक दिया जाता है, तो हम लोगों को बुरा लगता था। कहाँ हम लोग किस प्रदेश में जी रहे हैं। मैं एक सांसद हूँ, पिछले 5 सालों से सांसद, 5 बार से गोरखपुर से सांसद रहा हूँ। हम लोगों ने इस प्रकार की अव्यवस्था और अराजकता के खिलाफ वहाँ एक लंबा आंदोलन चलाया भी था, गुंडागर्दी के खिलाफ, माफिया राज के खिलाफ, अराजकता के खिलाफ। लेकिन मुझे लगता था कि ये सब चीज़ें तो कहाँ हैं। कभी कभी मैं सोचता था कि क्या हम लोगों को राजनीति में ही नहीं रहना चाहिए क्या। लेकिन हम लोगों के पलायन का, हम लोग अगर उससे अलग हटते थे, इसका मतलब लोग हमें कहते हैं हमने पलायन कर दिया है। हम पलायन को भी नहीं करना चाहते थे, लेकिन इसको फेस करना, मेरी पार्टी ने मुझे अवसर दिया है, और हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये था। हम लोगों ने कहा कि नहीं, हम इसको लागू करेंगे, क्योंकि बालिकाओं की सुरक्षा का मामला, एक आधी आबादी की सुरक्षा का मामला है। हम ऐसा वातावरण देना चाहते हैं कि रात्रि के अंधेरे में कोई बालिका कहीं से आ रही है, अपने घर जाना चाहती है, तो बेझिझक, निसंकोच और बिना डर के वो अपने घर जा सके, ऐसा वातावरण हम लोग देंगे। और स्पष्ट गाइडलाइन है
कि एक लड़का लड़की चल रही है, वो भाई बहन भी हो सकती हैं, मित्र भी हो सकते हैं, आप उनको नहीं छेड़ेंगे, जो छेड़ेगा कार्रवाई होगी। ये आपने अपनी गाइडलाइन एकदम हम लोगों ने सारी गाइडलाइन को उपलब्ध करा दी है। लेकिन अगर कोई बालिका अकेले चल रही है और अगर किसी ने छेड़खानी करने का प्रयास किया तो फिर कानून उसमें फिर किसी को बख्शे ना। कोई माँ बेटी जा रही है, किसी कुछ सोहदों ने छेड़ने का दुस्साहस किया, अपराधियों ने कुछ दुस्साहसिक प्रयास किया, तो कानून फिर उस पर अपना कार्रवाई प्रारंभ करे। तो योगी जी, वो कौन सी शक्तियां हैं जो इसको एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रही हैं? ये तो सुरक्षा से जुड़ा मसला। देखिए, जिन लोगों ने देश के अंदर एक वोट बैंक बना करके राजनीतिक उल्लू को सीधा करने का आज तक प्रयास किया है, ये सब वही लोग हैं। इनको डेवलपमेंट से मतलब नहीं, इनको देश की बदहाली को दूर करने से मतलब नहीं, प्रदेश में कानून का राज हो इससे मतलब नहीं, प्रदेश में आम जन को बुनियादी सुविधाएं मिले इनसे मतलब नहीं, माताएं बहनें सुरक्षित हों इनसे इनको मतलब नहीं। ये वे लोग हैं जो तिल को ताड़ बना करके अनावश्यक माहौल खराब करते हैं, जो सौहार्द के लिए और शांति के सबसे बड़े दुश्मन हैं, ये वही लोग हैं जो इसको बोल रहे हैं। हमने तो इसको किसी जाति के नाम पर नहीं कहा, हमने तो साफ प्रशासन से कहा कि अपराधी का चेहरा मत देखिए, अपराधी की जाति मत देखिए, अपराधी अपराधी है, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी मत और मजहब का हो, आप सख्ती के साथ उससे निपटिए। और हम ऐसे तत्वों के साथ किसी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, हम लोगों ने इसको पहले कह दिया है। योगी जी, दूसरा मसला, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने अपनी तमाम रैलियों में अवैध भूचड़खानों पर सख्ती से कार्रवाई का वादा किया था और सत्ता पे जैसे ही आप बैठे हैं आपने तुरंत उस पर कार्रवाई की, पहली कैबिनेट से पहले। और इसमें भी ये था कि 2014 का जो नोटिस था उसी को आपने दोबारा जारी करा चीफ सेक्रेटरी ने। फिर इसको लेकर क्यों ये कहा गया कि योगी आदित्यनाथ किसी एक खास धर्म, किसी एक खास समुदाय के खिलाफ ये उनका पहला प्रहार है? इसको इस तरह से देखने के पीछे क्या मकसद, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से आपने कहा कि पूरे सौहार्द को बिगाड़ने का कोई मकसद दिखाई देता है क्या? देखिए, अंतर यही है कि एनजीटी ने 2015 में उत्तर प्रदेश के अंदर अवैध भूचड़खानों को बंद करने के लिए कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में इस प्रकार का आदेश जारी किया है। एनजीटी के आदेश के बाद चीफ सेक्रेटरी के स्तर पर आदेश तो जारी हो गया है लेकिन वह प्रभावी नहीं हो पाया क्योंकि राजनीतिक नेतृत्व के पास उस प्रकार की इच्छा शक्ति उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं थी। हमने कहा भी एनजीटी कहता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है और आप इसका क्रियान्वयन नहीं करेंगे? कुछ लोगों ने कहा, अरे साहब, वो छोरा लेकर के आ जाते हैं, वे लोग मारपीट करते हैं। हमने कहा, क्या मतलब, ये छोरा चलाने वाले और इस प्रकार के गुंडे और अवैध तत्व, अनैतिक तत्व यहाँ की व्यवस्था का संचालन करेंगे? ये नहीं चलेगा। प्रदेश में कानून का राज स्थापित करिए और कानून अगर कोर्ट ने आदेश किया है उसको लागू, उसको क्रियान्वित करिए। हम लोगों ने केवल न्यायालय के आदेश का क्रियान्वयन किया है। भारतीय जनता पार्टी का लोक कल्याण संकल्प पत्र में इलेक्शन के पहले मुद्दा था, मुद्दा हम लोगों को एनसीटी और इस प्रकार की न्यायिक बॉडियों से हम लोगों को जो भी डायरेक्शन मिले थे, जो फीडबैक एक आप लोगों को लगातार उसके आधार पर हम लोगों ने इसको मुद्दा भी बनाया था और जनता के लिए भी एक बड़ा मुद्दा था। जिसका सवाल ये है कि आप इसको कैसे आप नजरअंदाज कर सकते हैं? हम लोगों ने उसको लागू किया है, हम उसको कर रहे हैं, स्पष्ट डायरेक्शन इसमें भी जारी किए गए हैं कि भाई देखो, कोई अगर मानकों को पूरा करता है, सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिए उनको पूरा करता है, एनजीटी ने जो कहा है उसका पालन करता है, उन मानकों को पूरा कर लेता है, हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन नहीं करता है तो हमें सख्ती के साथ रोकना चाहिए, किसी भी गुंडा तत्व के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं, वह कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, कानून सब पर समान रूप से लागू करिए। एक और मसला, आपने उत्तर प्रदेश की जनता को कहा कि आप दंगा मुक्त राज देंगे। पिछली सरकार में हमने देखा 300 से ज्यादा सांप्रदायिक दंगे देखे गए हैं और इन दंगों को, छोटे बड़े दंगे जो होते रहे हैं, उसकी कहीं एक वजह यह भी मानी गई कि कोई छोटा सा तनाव होता था, उसके बाद ये जो तमाम आस्था के जो प्रतिष्ठान हैं उन पर लाउडस्पीकर्स का होना और उन तनावों का बड़ा रूप लेने में कहीं ना कहीं लाउडस्पीकर्स की कोई भूमिका रही है।
आप इस समय सत्ता में, आपकी सरकार पूरे बहुमत से सत्ता में है, क्या आपको लगता है कि एक सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए अगर ये कहीं एक कारण बनता है, चाहे वो मुजफ्फरनगर में जिस तरह के सांप्रदायिक दंगे हुए उसमें भी ये भूमिका दिखाई दी थी, क्या लाउडस्पीकर, क्योंकि आस्था का प्रश्न तो भगवान से, खुदा से आपका अपना है, उसके लिए शोर की जरूरत नहीं है, तो आपको लगता है कि इस पर आपकी सरकार कुछ सोच रही है? देखिए, प्रशासन का संवेदनशील होना और सीधे संवाद बनाना, मैंने सभी जिलाधिकारियों से, सभी पुलिस अधीक्षकों से एक बात कही है, कहीं कोई बात होती है तो केवल अपने सब ऑर्डिनेट के भरोसे मत रहिए, सीधे संवाद करिए। लोकतंत्र संवाद का नाम है, हमें लोकतंत्र, ये सरकार लोकतंत्र से चुनी गई सरकार है, जिस जनता ने चुना है अगर उसकी कोई बात है तो आप उसको सीधे बात करिए और एक संवाद स्थापित करके समस्या का समाधान करिए। अगर संवाद स्थापित होगा तो संघर्ष अपने आप समाप्त हो जाएगा। प्रशासनिक संवाद नहीं, एक दूसरा, शासन में जमे हुए लोग इस प्रकार के तत्वों को प्रश्रय देते थे जो दंगाई होते थे, अराजक होते थे, भ्रष्ट होते थे, गुंडे होते थे, दंगाई होते थे। जब सत्ता का संरक्षण ऐसे तत्वों को प्राप्त होगा तो स्वाभाविक रूप से दंगा तो भड़कना ही भड़कना था। हम लोगों ने साफ कहा है, देखिए एकदम स्पष्ट पारदर्शी तरीके से सारी कार्य हो रहे हैं और इस बात को कह दिया गया है, एक तो संवाद स्थापित करिए, कहीं कोई समस्या होती तत्काल कार्रवाई करिए, और इसके बावजूद भी अगर कहीं कोई ऐसी स्थिति पैदा होगी, देखिए प्रदेश दंगा मुक्त होगा, गुंडा राज से मुक्त होगा, प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति स्थापित होगी और इसके लिए जो भी कदम उठाने पड़ेंगे हम लोग उसको उठाएंगे। हम लोग पिछले उन सभी उसका भी समीक्षा करेंगे कि कहां पर क्या हुआ है और उसके बाद अगर कहीं अन्याय हुआ तो उसका परिमार्जन भी करेंगे, लेकिन हम प्रदेश में किसी को भी चेहरा देख करके जाति मत मजहब के आधार पर कार्रवाई करने की इजाजत नहीं देंगे। उसके लिए पुलिस बनी है, उसके लिए प्रशासन है, प्रशासन ही कार्रवाई करेगा, कानून उसी के माध्यम से लागू होगा, कोई पार्टी या कोई व्यक्ति या कोई चेहरे इस प्रकार की कार्रवाई करने की इजाजत किसी को नहीं देगी जो पूर्ववर्ती सरकार करती रही है। कन्वर्जन एक बड़ा मसला रहा है विवाद का उत्तर प्रदेश में, कई बार दबाव में, कई बार लालच में और कई बार इन दोनों ही मसलों पर तनाव पैदा हुआ है, क्या इसको लेकर कोई ठोस नीति उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में यह विवाद एक लंबे समय से बीच बीच में उठता रहा। देखिए, जो असंवैधानिक होगा, जो अनैतिक होगा, जिससे समाज के सौहार्द पर दुष्प्रभाव पड़ता हो, हम ऐसा कोई भी कार्य प्रदेश के अंदर नहीं चलने देंगे। तो इसकी दिशा में हम कोई नीति या कोई ठोस समय आने पर, जहां भी कोई इस प्रकार की स्थिति होगी जो असंवैधानिक हो, अवैध हो, अनैतिक हो, या जिसपे सौहार्द पर जिसका प्रभाव, जो सौहार्द को बिगाड़ता हो, हम उसको प्रदेश के अंदर नहीं चलने देंगे। एक और सवाल, अभी शिक्षा पर हम बात कर रहे थे, ऐसी बात हो रही है और चर्चा बाहर आ रही है कि सरकारी स्कूलों में योग को अनिवार्य करने की तरफ आप लोग सोच रहे हैं। जब भी योग की बात होती है तो योग को लेकर विवाद भी साथ साथ क्यों आता है, जबकि योग का तो सीधा संबंध स्वास्थ्य से है। ठीक बात है, देखिए हम लोग इस चीज को करने जा रहे हैं। देखिए मैंने कहा ना, या ये क्योंकि योगी आदित्यनाथ की तरफ से आता है इसलिए नहीं, मेरी तरफ से नहीं। देखिए सवाल ये है कि योग मैंने नहीं दिया है, ये तो इस सृष्टि के साथ चली हुई एक ऐसी परंपरा है, एक ऐसी विधा है जो हमारे ऋषि मुनियों ने लोक कल्याण के लिए दिया है। एक स्वस्थ शरीर के साथ साथ स्वस्थ मस्तिष्क के निर्माण के लिए उनके द्वारा दी गई एक विधा है और हम लोगों ने इस चीज को कहा है कि हम जितने भी यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर शारीरिक शिक्षक देंगे, योग को उनके साथ अनिवार्य करके जोड़ के देंगे और योग पाठ्यक्रम का हिस्सा होगा, संस्कृत पाठ्यक्रम का हिस्सा होगा, भारत से जुड़ी हुई सभी भाषाओं को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर जो अन्य भाषाएं हैं उनकी एकेडमी बनाने जा रहे हैं, आपकी भोजपुरी है, अवधी है, ब्रज होगी, आपकी जो है बुंदेलखंडी होगी, जितनी भी भाषाएं होंगी इन सब की एकेडमी बना करके लोक परंपरा, लोक संस्कृति को भी हम मजबूती प्रदान करने के लिए कार्रवाई प्रारंभ करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के हित में जो होगा हम वह कदम उठाने में नहीं हिचकेंगे।
योगी जी देश के ही एक बड़े जुरिस्ट हैं, जिन्होंने कहा कि विदेशों में तो हमने बात की ही कि एडिटोरियल्स ने किस तरह से लिखा और एक कहा कि कैसे हिंदू प्रीस्ट बन गया है एक मुख्यमंत्री, लेकिन जो जुरिस्ट है उन्होंने भी कहा कि ये हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ने का एक कदम है। क्या आपको लगता है कि ये लोग पूर्वाग्रहों से ग्रस्त हैं? इन चिंताओं को आप किस तरह से देखते हैं? आपका जवाब साफ शब्दों में जानना चाहते हैं। देखिए, कौन क्या कह रहा है मैं किसी के मुंह पे टेप नहीं लगा सकता। मुझे जो करना है प्रदेश के हित में कार्य करना है। मेरे लिए पाथे है केंद्र की मोदी जी के नेतृत्व की सरकार, और सरकार लोक कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए जो कदम उठा रही है, मुझे प्रदेश के अंदर उसको फॉलो करना है। एक दूसरा, इससे कौन लोग हैं जो डर रहे हैं? अगर अगर किसी को करना है, मुझे लगता है कि मुझे एक बात साफ कहनी है, वो ये कि हिंदू राष्ट्र की अवधारणा कहीं गलत नहीं है। हिंदुत्व देश की ही सुप्रीम कोर्ट की एक फुल बेंच ने इस बारे में स्पष्ट अपना आदेश जारी किया है। यह कोई मत, कोई मजहब या उपासना विधि नहीं है, यह एक वे ऑफ लाइफ है। अगर लोगों की जीवन पद्धति को सुधारने के लिए, उसमें खुशहाली लाने के लिए यह राष्ट्र उचित है, यह रास्ता उचित है, तो मुझे लगता है हमें उस रास्ते को अपनाने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। अंत में योगी जी, एक योगी के वेशभूषा भगवे वेशभूषा से, क्योंकि योगी को ना किसी से कुछ चाहिए ना उसे अपने जिंदगी में कुछ चाहिए, फिर ये कौन लोग हैं जो डर रहे हैं? देखिए, जिनके झूठ और पाखंड की दीवारें ढहने वाली हैं, जिन्होंने झूठे वातावरण बना करके, होबा खड़ा करके, समाज को गुमराह करके, अपने पॉकेट बना करके, जाति के नाम पर, परिवार के नाम पर, मजहब और मत के नाम पर समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया है, इनका झूठ और पाखंड धराशायी हो रहा है। इसलिए स्वाभाविक रूप से उनके आगे के रास्ते जब बंद होंगे तो उनकी चिल्लाहट तो स्वाभाविक है। मैं उनके प्रति कोई दुराग्रह नहीं रखता, लेकिन मेरी सहानुभूति उनके प्रति जरूर है कि पब्लिक उनके इस पाखंड को बहुत नजदीक से देख रही है, देखेगी भी, मेरी कार्यपद्धति को देख रही है और देखेगी भी। हमारा कार्य बोलेगा और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश कैसे चलेगा हम उसको लेकर के चलेंगे। योगी आदित्यनाथ ने अपने ठीक उसी अंदाज में बहुत साफ कहा कि कानून सबके लिए एक है, सबको कानून का पालन करना पड़ेगा। रही बात जहां तक तंत्र और व्यवस्था की, तो सुस्त पड़े तंत्र में जान फूंकी है योगी आदित्यनाथ ने, और उनका मानना है कि व्यवस्था और तंत्र हर नाकामी के लिए जवाबदेह रहेगा और उस पर लगातार सवाल उठाते रहेंगे, जिससे कि जनता को वो सारी सुविधाएं, उन योजना का फायदा मिले जिसके लिए सरकार काम कर रही है। योगी आदित्यनाथ जी, दूरदर्शन न्यूज से पहला अपना इंटरव्यू देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत सी ऐसी बातों पर आपने खुलासा किया जिस पर आपकी तरफ से जवाब का शायद जनता में तमाम लोगों को इंतजार था। बहुत बहुत शुक्रिया दूरदर्शन से बात करने का।